गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका सेकंड पेपर में एक पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आप समझ सकते हैं कैसे आया। जैसे y बराबर अगर fx ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव विथ रिगार्ड टू x क्या देगा, dy by dx is equal to f dash x, that means dy is equal to f dash x dx। ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह समझ सकते हैं, या इसको हम समझने के लिए एक पार्ट और कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसको लिख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, एन इक्वेशन ठीक है इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है। एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव्स विथ रिगार्ड टू एक्स, एक्स के रिगार्ड में इसका डेरिवेटिव ठीक है, और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसके बिफोर हम देखे वाई एफेक्ट्स है, तो x उसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x चाहिए, और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए जब इस तरह का हो तब उसको हम कहेंगे कि इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है आर दोस ठीक है विच कंटेन्स विच कंटेन्स द डेरिवेटिव which contains the derivatives in किसमें कर रहे हैं derivatives, या इसको बोल सकते हैं और करके differential differentials बोलिए ठीक है of किसका of the function ठीक है of only यहां कह रहे थे हम लोग more than, यहां है only ये only one independent variable ठीक है, ये कहलाएगा ordinary differential equation। डेरिवेटिव देरी किसका हुआ दो विच कंटेन्स डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं ई टू दी पावर एक्स, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे
x प्लस वाई का स्क्वायर एंड डी वाई का डी एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट ए स्क्वायर, ये ले सकते हैं, या इस तरह का y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कर सकते हैं इसको a इंटू, ठीक है, रख सकते हैं a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इस तरह। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पार्ट हो रहा है इसमें, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इसमें? तो ये थ्री सिंपल एग्जांपल्स है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आ जाता है सेकंड में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या चीज हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन involves a dependent it involves one dependent, ठीक है, and two or more, दो या उससे अधिक independent variable चाहिए, two or more independent variables together with partial derivatives, है ना, with respect to partial derivative किसके लिए, with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये कहलाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कैलकुलस में यूज किए थे, जैसे सपोज दैट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स वाई जेड, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। या हम ऐसा रख सकते हैं कि डेल यू बाय डेल एक्स या डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज दैट ए स्क्वायर, यस ए स्क्वायर इस तरह का, ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का नेचर में, ठीक है, इसको आप नोट कर ले सकते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है, और भी इसमें क्योंकि ये शुरुआत है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट बिगिनिंग स्टेज है, इसमें बहुत सारा चीज है जो आपके आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो अभी जस्ट यहाँ शुरू हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन हम समझ सकते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर थर्ड में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या होगा कि लिख सकते हैं इसको द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये रिमार्केबल चीज है, क्या है ये, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing, इसमें होना चाहिए appearing in the differential
इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? क्या कहता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वही उसका ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। एक बात और इसमें जान लें तब कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं उसको कि किस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या चीज है? इट इज ये क्या है? इट इज इसको कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द ठीक है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग है ना अकरिंग इन इट ठीक है आफ्टर। लेकिन कैसे होना चाहिए? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री होगा वो कितना है? तो लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल पावर से या रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। दैट मींस इसको लिख सकते हैं कि आफ्टर द इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम, अभी हम लोग बात कर रहे थे कैसे होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर ठीक है, फ्रैक्शनल पावर सो फार एज ठीक है, सो फार एज द खास करके डेरिवेटिव के साथ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। सो फार एज द डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, ये आप समझ गए, जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होना चाहिए ये इंटीग्रल पावर होना चाहिए, मोटा मोटी ये बात समझना चाहिए है ना। जो भी फ्रैक्शनल पावर या रेडिकल रेडिकल पावर हो रेडिकल साइन में होगा उससे उसको फ्री कर देना है, तब जो उसका इंटीग्रल पावर आएगा वही इसका डिग्री आएगा। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें फॉर एग्जांपल, लिख लीजिए इसमें फॉर एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे एक ही साथ दोनों ले लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना। पहला एक सिंपल में लिखते हैं जैसे डी वाई बाय डी एक्स प्लस ठीक है वाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखते हैं कि यहां पर कौन सा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डी वाई बाय डी एक्स, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो गया क्योंकि
फर्स्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर हो गया फर्स्ट, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर कर रहा है इसमें है, उसका पावर कितना है, पावर इज ऑल्सो वन। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन। ये क्या हो गया, ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, तो दिक्कत इसमें। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लीजिए तो सेकंड में नंबर सेकंड, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक सिंपल ले लें ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, सेकंड है ना, सेकंड डेरिवेटिव है यहां पर, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑफ कोर्स द ऑर्डर इज टू, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो गया, और डिग्री कितना हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा इंटीग्रल पावर ये वन है, सो द डिग्री इज वन, है ना। तो कहेंगे कि इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू एंड डिग्री वन, ठीक है। एक थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए थर्ड में ऐसा ले लें y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसा कर लेंगे इज इक्वल टू दिस प्लस डी एक्स बाय डी वाई। अब क्या होगा, व्हेनेवर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन डी वाई बाय डी एक्स, ये इसका मीनिंग होना चाहिए। इसको हम पहले फॉर्म में लिखेंगे, that means y can be written as x dy by dx plus 1 by dy by dx, या dx by dy मिलाइए जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां क्या देख रहे हैं, now it is it can be written as, कैसे लिख सकते हैं, x dy by dx का स्क्वायर प्लस माइनस y dy by dx और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, और ये कितना है देखिए 2, है ना, इसलिए डिग्री कितना हो गया 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो इंटीग्रल पावर होगा वही उसका डिग्री होगी, सो इट इज ऑर्डर कितना हो गया, देखिए ऑर्डर 1 वेयर एज डिग्री इज 2, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं इसको, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, इस तरह से बोल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन में आप चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब रेडिकल साइन को हम कैसे हटा सकते हैं उस तरह का कोई एग्जाम्पल लेकर के उसको समझिए तो थोड़ा आसान होगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर्थ लेते हैं, कैसे, सपोज दैट वन प्लस dy by dx whole square to the power 3 by 2, देखिए यहां पर आ गया ना फ्रैक्शनल पावर 3 by 2 is equal to, इधर हम ले लेते हैं d2y by dx square। तब यहां पर आप देखिए क्या हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अनुसार से हो गया इसका ऑर्डर 2, और इस पर जो पावर है 1, तो कह सकते हैं यहां पर भी डिग्री हो गया 1, लेकिन ये गलत होगा बोलना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर रेडिकल साइन लगा हुआ है, स्क्वायर रूट खास करके उसके बाद क्यूबिक है, या कह सकते हैं पावर 3 बाई 2 है, इसलिए इसके बारे में अभी डिग्री इसका निकालना संभव नहीं होगा। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस 3 बाई 2, आफ्टर रिमूविंग दिस देन यू कैन एनालाइज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, दैट मींस इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर टू द पावर 3 इज इक्वल टू, क्या किए स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, यहां क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर। आप बता सकते हैं क्या हो गया, अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड का है इसलिए हो गया ऑर्डर 2, देयरफॉर इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, क्योंकि इसमें पावर भी 2 है, ठीक है ये क्लियर हो गया, सब इस पर डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए सारा चीज इसी पर निकल जाएगा। इस तरह से आप ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज जान लें, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट में जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कहलाता है ये, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इज ए रिलेशन, ठीक है किस तरह का है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज, क्या करना चाहिए, विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट y is equal to c1 sin x plus c2 cos x, ठीक है ना, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सपोज दैट y1 से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखें y1 is equal to c1 cos x और ये हो गया minus c2 sin x, ठीक है फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या मिलेगा, That means y2 gives minus of c1 sin x or minus of c2 cos x. That means as y2 is written as d2y by dx square is equal to minus common write c1 sin x plus c2 cos x. इसको क्या लिखे थे आप, y, so it is written by d2x by d, this is equal to minus y, ये एक differential equation बन गया, ठीक है, that is d2y by dx square plus y is equal to 0, so this is the differential equation, तो हम इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसी को कहते हैं formation of differential equation में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा c1 and c2 are arbitrary constant, elimination of arbitrary constant, it gives the differential equation and which form the differential equation. तो इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ये तरीका है। तो यहां पर क्या है, y is equal to c1 sin x plus c2 cos x is the solution of this differential equation. एक चीज और इसमें नोट करना है फॉर्मेशन में, ये देखिए इसका कितना हो गया, देखिए ऑर्डर 2, तो जितना ऑर्डर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का
उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा इसके सॉल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम दिमाग के लाइन लिख सकते हैं, लिख लीजिए दिमाग पे क्लाइन लिख सकते हैं, कि द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच which contains a number of arbitrary constants, clear hai, which contains a number of arbitrary constants equal to the ऑर्डर, देखिए कंप्लीट हो गया, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, एंड हियर इट इज कॉल्ड, इट इज इक्वल टू कितना, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों बराबर होना चाहिए। देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे इसको, ये ठीक है। यहां तक का ये बात क्लियर हो गया, इसमें क्या होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए ये जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, दैट इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए इसी में हम जैसे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू जो ऊपर में था जैसे 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, इज वन सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ऊपर के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं सी वन और सी टू था, तो सी वन का मान 2 और सी थ्री के मान 3 के लिए इसका सॉल्यूशन हो गया, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। कैसे, इट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, है ना, ये पैरामीटर का जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड इसी में एक चलते फॉर्मेशन के लिए एक एग्जांपल देते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसी से निकलना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका एक एग्जांपल बस, उसके बाद आप इसमें आगे फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम। ये क्या हो गया, इसी से आ गया सॉल्यूशन से, बिकॉज यू नो दैट अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल किसका सॉल्यूशन है निकाल सकते हैं, दैट मींस इट गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सपोज दैट यहां पर क्वेश्चन का फॉर्म में बदल जाएगा, जैसे इसमें दिया रहेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर ए डिफरेंशियल
है ना, इक्वेशन फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस ए, बस यही दिया हुआ, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। अब सर्किल में क्या दिया हुआ है कि केवल ये दिया हुआ है कि सर्किल जिसका रेडियस ए है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इसका कुछ भी आप सेंटर मान लेते हैं, कहीं भी हो सकता है इस तरह का। तो सपोज दैट लेट अस टेक ए सर्किल with center xk and radius a, therefore its equation is, अब निकाल सकते हैं ना, सेंटर इतना रेडियस इतना, that means x minus x square plus y minus k square is equal to a square। बता सकते हैं इसमें कौन सा हो गया, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एच एंड के, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, देयरफॉर इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। देन हियर एच एंड के आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, एच के का एलिमिनेशन यही दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ऑब्वियसली कितने डिग्री, कितने ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर भी टू होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम नंबर वन कर लें। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन विद रिगार्ड टू एक्स, देन वी गेट कितना मिल जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस टू टाइम्स वाई माइनस के, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट इज एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको नंबर सेकंड कर लें। फिर से इसका हम डिफरेंशिएशन कर लें, डिफरेंशिएटिंग टू अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब कितना मिल गया, वन और एक्स का जीरो, वाई का हो गया वाई वन एंड या वाई माइनस के और वाई का डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर अब इसका प्लस डी वाई बाय डी एक्स कांस्टेंट और वाई का डी वाई बाय डी एक्स, सो राइट डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वाई माइनस के का वैल्यू कितना हो गया, वाई माइनस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई माइनस के इज इक्वल टू, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सब प्लस में है, तो माइनस ऑफ वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया नंबर थ्री। और नंबर फोर में आ जाए हम, एक्स वाई माइनस एक्स का मान मालूम है, वाई माइनस के का, तो इसमें इसका मान रख करके हम एक्स माइनस एक्स का मान निकाल ले सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई माइनस के इन टू, वी गेट एक्स माइनस एक्स निकाल दीजिए, बस उसके बाद मान रखते हैं एक में, वही दे देगा सॉल्यूशन। वी गेट एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए कितना हो गया, एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ दिस, दैट मीन्स ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस आ गया, एक्स माइनस एक्स बराबर प्लस और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इनटू डी वाई बाय डी एक्स, ये बन गया नंबर फोर। तो तीन और चार से x माइनस x और y माइनस k का मान एक नंबर पे रख दीजिए, तो वही सॉल्यूशन दे देगा, कितना हो जाएगा 10 फ्रॉम 1 x माइनस x का स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें ये भी है तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो वी गेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कितना था एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए ये लिखिए, इसमें से देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा, ये पार्ट कॉमन है तो बच गया यहां से 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये निकल आया और ये कॉमन पार्ट हो गया, कितना 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, पावर हो गया कितना, दो पावर यहां एक पावर यहां 3 और इधर का स्क्वायर ए में चला गया। तो अभी हम लोग इसका निकाल लेंगे, अब दैट इज 1 प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अभी जस्ट हम लोग इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किए थे, वही आ गया, इसको लिख सकते हैं इतना होल स्क्वायर टू दी पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह से हम बनाएंगे, चलिए यहां तक आज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इस पर और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।